सबसे पहले तो जय सीएलसी। मेरा नाम कुशाल पालीवाल है और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। वो भी ट्वेल्थ और 2019 बैच से हूँ मैं, मतलब सिलेक्शन हुआ मेरा 2019 में। और मेरा सफ़र सीएससी के साथ नाइन्थ क्लास से शुरू हुआ था। जब मैं नाइन्थ में था तो मेरा एडमिशन करवा दिया था सीएससी, क्योंकि बहन पढ़ रही थी। बहन पढ़ रही थी। फिर नाइन्थ टेंथ दोनों मैंने सीएससी से की है। फिर टेंथ में मेरा कुछ ऐसा खास रिजल्ट था नहीं, एवरेज रिजल्ट था। क्यों भाई, क्या कारण रहा? थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था ऐसे ही। अच्छा, मतलब बहन अच्छी थी तो मजे करता था। हाँ। तो कुछ 83 मतलब तेरे को लाड प्यार मिल गया होगा, रेणुका हमारी बहुत लाडली बेटी, तेरे को उस रेणुका की रॉयल्टी तेरे को मिल गई होगी वहाँ पर। यस, तो कुछ 83 ऐसे परसेंटेज थे मेरे आरबीएससी बोर्ड में उस टाइम। फिर 11th क्लास में आया तो व्यू तो मेरा भी क्लियर था कि मेरे को नीट की प्रिपरेशन ही करनी है और एमबीबीएस ही करनी है। दोनों बहनें ऑलरेडी सेलेक्टेड थी तो फिर इसी वे में शुरू हो गई पढ़ाई। और जब एडमिशन हुआ तो थोड़ा क्या होता है कि सिलेबस चेंज होता है एकदम से, 10th से 11th में स्विच करते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होती थी। पर सीएससी की जो फैकल्टी थी उनके पढ़ाने का तरीका वगैरह काफ़ी अच्छा था तो उससे समझ में आने लग गया धीरे धीरे। और जैसे कि दिन को क्लास होती थी तो रात को डाउट काउंटर वगैरह चलते रहते थे शाम को, तो उसमें भी डाउट क्लियर हो जाते थे। कोई मॉड्यूल के डाउट हो गए या कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो वो भी पूछ लिया करते थे। तो ऐसे करते करते 11th क्लास हुई, पर 11th में इतना खास रिजल्ट था नहीं मेरे। हाँ, 450 इसके बीच में एवरेज रहता था, पर 11th में आते आते वो भी, 12th में आते आते वो भी काफ़ी सही हो गया। फिर ऐसे ही 12th भी शुरू हो गई और 12th में भी चलता रहा। टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे थे, डाउट वाउट पूछ रहे थे, मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व कर रहे थे, रेगुलर टेस्ट होते रहते हर हफ्ते में 15 दिन में, तो उसमें भी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही थी। फिर दिसंबर तक आते आते लगभग सिलेबस भी पूरा हो जाता है 12th वाले बच्चों का। फिर 4 महीने होते थे लगभग उस टाइम, तो अभी तो कोविड से अलग हो रहा है, अब ज़्यादा मिल रहे हैं। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उस टाइम 4 महीने पूरे मिल रहे थे, तो उसमें ये था कि अब पूरा टाइम घर पे बैठा रहना है तो रिवीजन वगैरह कर लेते थे आराम से, पूरा सिलेबस एकदम से मतलब वापस कवर होने लग गया उसमें। और फिर DTS स्टार्ट हो जाते थे, उससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता था कि NCERT का तो एक एक क्वेश्चन कवर हो जाता था उसमें, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री वगैरह में भी इतने क्वेश्चन हो जाते थे कि प्रैक्टिस तो पूरी भरपूर हो जाती थी। और फिर उसके बाद 1 महीना पहले कुछ मेजर टेस्ट शुरू हो जाते जो कि परफेक्ट नीट की जो पैटर्न होता था उसी बेस पे होते थे, तो उससे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती थी। 30 दिन में लगभग 25-30 टेस्ट हो जाते थे इजीली, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव होती थी, सिली मिस्टेक पता चलती थी, कोई जो भी कमियां जो थी वो सारी उन टेस्ट से पूरी हो जाती थी। फिर ऐसे ही सबकी गाइडेंस में नीट का टेस्ट दिया, फिर उसमें आगे डॉक्टर बन गया। इस लड़के ने 3 बातें कोट की हैं। पहली बात कोट की कि आप 9th से CLC के साथ हैं, 9th-10th में आप आ गए, ये विश्वास है। मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, अब आप बच्चों को हमारे पास 6th क्लास से भेजें। आप 6th से बच्चे भेजोगे तो 7 साल मेरे साथ रहेगा। मेरे खुद के स्कूल हैं CBSE RBSE के, खुद के हमारी हॉस्टल व्यवस्था है, तो उसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसकी बात को मैं कोट करता हूँ, आप 9th-10th में रहे, नो डाउट आप रेणुका के भाई थे तो आपको एक्स्ट्रा लाड मिलना ही मिलना था, तो 10th में आपका स्कोर 83 खराब भी नहीं कर सकते। 11th में आपने अच्छा किया, 450 में कम नहीं होते हैं। उसके बाद आपने एक बात कोट की 12th में, हमें दिसंबर के बाद आपका 12th का स्कोर क्या बोर्ड का? आप ये देखो, जो लोग कहते हैं फाउंडेशन में परसेंटेज गिरते हैं, ये बच्चा 83% 10th में लाता है और 93% 12th में लाता है और 12th के साथ ही ये सिलेक्ट होता है। रेणुका क्या परसेंट 12th का? रेणुका का 12th का 93 था और सीमा का 12th का 87। तो आप इन तीनों बहन भाइयों का भी 12th सिलेक्शन है और 87, 92, 93 एडमिशन आपके परसेंटेज हैं। फिर आपने बड़ी प्यारी बात कही कि हमें लास्ट में DTS टेस्ट जो अब भी चल रहे हैं, और एक सबसे काम की बात की, रात को भी डाउट काउंटर लगते थे, ये साहब केवल CLC कर सकती है। मैं टीम CLC को धन्यवाद दूंगा और मैं बच्चों के विश्वास को फिर से एक बार बहुत बहुत आभारी हूँ गार्जियंस का, जो यहाँ से 400 किलोमीटर दूर जाके विश्वास करके अपने बच्चों का सिलेक्शन निकालते हैं।